शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराए जाने का प्रावधान किया गया था, परंतु इस अधिनियम को लागू हुए लगभग 13 वर्ष होने को हैं, आज भी विद्यालयों में बाउंड्री वॉल देखने को नहीं मिल रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत उलरा के गाँव डफरा गाँव की। इस गाँव में बने प्राथमिक विद्यालय में आज तक बाउंड्री वॉल न होने से इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र आशुतोष मिश्रा सहित 155 बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी समस्या ये है कि हमारे स्कूल में अभी तक बाउंड्री नहीं हुई है। यहाँ पर छुट्टा जानवर आ जाते हैं, यहाँ गोबर कर जाते हैं, बकरी भैंस सब आकर यहाँ पर गोबर कर जाते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, कूड़ा उड़ा डाल देते हैं, लेटरिन कर जाते हैं। प्रधान ने भी थोड़े दिन पहले नींव खुदवाई, अभी तक भी दीवार नहीं उठवाई है और मेरे साथी सब उसी में गिर जाते हैं जो आते हैं और सब कूड़ा करकट डाल देते हैं। और जब हम लोग खेलते हैं कपड़े गंदे हो जाते हैं, नल के पास नाली उसी में पानी भरा रहता है, मच्छर रहते हैं। जब हम लोग खेलते हैं तो बदबू आने लगती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। हमारा ये फ़ायदा होगा, हम लोग खेलेंगे तो कपड़े नहीं गंदे होंगे और ना कोई गोबर करेगा बछड़े, ना गोबर करना, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। ये समस्या है कि मेरे स्कूल में बाउंड्री नहीं उठी है और प्रधान बाउंड्री को खुदवा के रख गए, ना बाउंड्री उठवा रहे हैं और कहते थे अभी ईंटा गिरवा देंगे, अभी ईंटा भी नहीं गिरवा। और एक नल है उसके उस नाली में पानी भरा रहता है, वहाँ पर मच्छर आ जाते हैं तो हमारे लोगों के काट लेते हैं, हम लोग जाते हैं पानी पीने और जो गाँव के लोग हैं वो पुड़िया पान थूक के रख जाते हैं। हरहा ये सब छुट्टा जो जानवर हैं यहाँ पर गोबर कर जाते हैं। हमारे स्कूल में कुल 156 भाई बहन हैं, उनको भी समस्या होती है और हमको भी समस्या होती है, तो इस ये मेरा मतलब है कि बाउंड्री यहाँ पर उठ जाए। फ़ायदा ये होगा कि बाउंड्री उठ जाए तो यहाँ पास पर कोई आ नहीं पाएगा और हम लोग अच्छे से खेलेंगे, बढ़िया गोबर ओबर नहीं होगा तो गंदे नहीं होंगे कपड़े। अपने समुदाय के इन बच्चों से बातचीत करते हुए, इनके बीच में वीडियो की स्क्रीनिंग करते हुए समस्या समाधान के लिए पंचायत सचिव से बात की तो उन्होंने कहा बाउंड्री वॉल के निर्माण का एस्टीमेट पास हो गया है, विद्यालय के चारों तरफ न्यू खुदाई का भी कार्य कर दिया गया है, लेकिन वहां पर पेड़ होने से उसकी वजह से ग्रामीणों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे उच्चाधिकारियों के आदेश पे काम को रोक दिया गया है। जो ही विवाद का समाधान होगा तत्काल प्राथमिकता के आधार पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा दिया जाएगा। हम लोगों ने SDI सर को दिया है, इसका जो संज्ञान है SDI सर को बताया है और ग्राम प्रधान जी को भी हम लोगों ने बताया है और ग्राम प्रधान जी को SDI सर ने मतलब बात किया था और उनको बुलाया भी था इसके उसमें। और इसमें बाउंड्री ना होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मेन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मतलब जो ग्रामीण लोग, अभी कोई भी आ सकता है, जब प्रांगण खुला है तो कोई भी आके यहाँ पे गंदगी फैलाएगा और यहाँ पे जितने भी पेड़ लगे कोई पेड़ बचता ही नहीं है, हम लोग चाहे जितना वो करें, यही सब है सब प्रॉब्लम्स। मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे स्कूल की जल्दी से जल्द बाउंड्री वॉल बन जाए। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।